जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। हेलो गाइस, फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं लोकसभा में वक्फ बिल पर लगी रोक। मोदी जी देखते रह गए। मौलाना साहब ने सदन में ऐसा क्या कहा जो मोदी जी की बोलती बंद हो गई। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। और सदन में मौलाना साहब ने गर्दा उड़ा दिया। कहीं ऐसा ना हो, पूरा वीडियो जरूर देखें। हकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। श्री मोहिबुल्ला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंटोमन में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, सर मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पवाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर इसके जरिए से सरकारी अमले को बाजाबता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। दोस्तों देखा आपने कैसे मौलाना साहब ने मोदी जी की बोलती बंद कर दी। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।